गंगा स्नान के बाद दिव्य देह प्रभाव, ध्यान से सुने ये बातें, जल्दी सुनने को नहीं मिलेंगी। जब विरजा स्नान के बाद दिव्य देह प्राप्त होता है तब जीव भगवान के नित्य धाम में जाता है। सबने अलग अलग नक्शा बना रखे हैं। बैकुंठ वाले कहते सबसे ऊपर बैकुंठ है, उसके नीचे साकेत गोलोक है, गोलोक वाले कहते सबसे ऊपर गोलोक है, उसके नीचे साकेत बैकुंठ है, साकेत वाले कहते सबसे ऊपर साकेत है, फिर उसके इधर उधर गोलोक वैकुंठ हैं। भैया हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं, इसलिए राम कृष्ण नारायण के धाम में भी भेद नहीं। ये ऊपर नीचे वाली बात कहीं है प्रमाणम रूप में भी, वो इसलिए है कि उस उपासक भक्त के मन में अपने इष्ट धाम के प्रति विशेष भाव जगे, इतना ही प्रयोजन है। उसमें ऊंचा नीचा करने का प्रयोजन नहीं है, वो उसमें क्या ऊंचा क्या नीचा, भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते। लो साहब सर्वसमर्थ भगवान है, अपने जैसा दूसरा बना के दिखाओ, नहीं बना सकते। इसलिए भेद बुद्धि रख करके और फिर अपने अंतःकरण को मलिन नहीं बनाना चाहिए। जो भी आपका भाव है उस भाव के अनुरूप आपको भगवान का नित्य धाम मिल जाएगा। अब ध्यान से सुने, उस नित्य धाम में जब जीव उपस्थित होता है तो उसे धाम के द्वार पर दो महापुरुष मिलते हैं। और ध्यान से सुने, एक तो उनके पूज्य सद्गुरुदेव भगवान वो धाम के द्वार पर मिलेंगे प्रतीक्षा करते हुए, और दूसरे मिलते हैं जिस परंपरा में सद्गुरु भगवान प्रकट भए हैं उस परंपरा के मूल आचार्य। दाहिना हाथ सद्गुरु भगवान पकड़ लेते हैं, बायां हाथ आचार्य चरण पकड़ लेते संप्रदाय आचार्य, श्री रामानंद आचार्य पकड़ लेंगे, श्री निंबार्क आचार्य पकड़ लेंगे, श्री विष्णु स्वामी आचार्य पकड़ लेंगे, श्री मध्वाचार्य पकड़ लेंगे, इत्यादि प्रकार से श्री वल्लभाचार्य पकड़ लेंगे। और फिर उस जीव को भगवान की शरण में ले जाते हैं, डाल देते हैं, लो आपकी भेंट आपके चरणों में अर्पित है। तो उस जीव को देख करके भगवान इतने द्रवित हो जाते हैं, भगवान के नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है। जैसे किसी माँ का इकलौता पुत्र बरसों से खो गया हो, माता दिन रात रुदन कर रही हो और अकस्मात कोई उसके एकमात्र पुत्र को लाकर उसकी गोद में रख दे, उस माँ को कितनी प्रसन्नता होगी, उससे भी कई गुना अधिक प्रसन्नता भगवान को होती है। भगवान अपने प्रेमाश्रु जल से उस जीव का अभिषेक कर देते, वो चरणों में पड़ा है, भगवान के नेत्रों से जल बहता है। भैया जी ये बात बहुत सच्ची नहीं है कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए व्याकुल हैं। जीव में जितनी व्याकुलता, भगवत व्याकुलता सबके भीतर नहीं होती है, ये गुरुजनों की कृपा से ही व्याकुलता जगती है। भगवत दर्शन की व्याकुलता सबके भीतर उत्पन्न नहीं होती, भगवत दर्शन की चाह सबके भीतर नहीं जगती, मलिन अंतःकरण में व्याकुलता जगती नहीं है। और जब व्याकुलता जगती है तो लगता है कि हमसे अधिक व्याकुल कोई नहीं होगा, भगवान तो मौज कर रहे हैं, उन्हें कोई परवाह ही नहीं है, हम रो रहे हैं, तड़फ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और ठाकुर जी पता नहीं कहाँ चैन की बंसी बजा रहे हैं, ऐसा लगता है कई बार। और प्रेमी कह भी देते नाया तस् सखी निर्दया, अरे निर्दय, अरे सखी वो निर्दय अब तक नहीं आया, ठाकुर जी को निर्दय भी कह देते हैं। पर सच्ची बात यह है
कि हम जितने व्याकुल नहीं हैं उससे कई गुना अधिक व्याकुल श्री ठाकुर जी हमें अपनी अंक में लेने के लिए, और भगवान कितने व्याकुल हैं इसकी अनुभूति तब होती है जब जीव भगवान के नित्य धाम में पहुंचता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।